कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फारूक कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है, इस किताब से हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सिटीजनशिप, और इसमें हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन और जो आपका राइट आंसर है उसको डील करेंगे। तो क्वेश्चन और जो आपका राइट ऑप्शन है उसको डील करेंगे, ठीक है। और हम लोग पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर पूरा ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपको अलग प्ले स्टोर आपको बना दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिविजन पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ वट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5-11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील, ऑप्शन बी सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन, तो 3 का राइट ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया, तो आपका जो है 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आइदर 1, 2 और 3। तो ठीक है, आपका 1, 2 और 3 तीनों में से कोई भी सही है। तो वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया और हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रांड नेम ऑफ 16-डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइड टू विच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी, ऑप्शन नंबर सी आधार। आधार इज ए प्रोग्राम, तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।